तो तिग्वांशु डहुलिया एज ए डायरेक्टर वापस आ चुके हैं। अगर तुम लोग उनको नहीं जानते हो तो तिग्वांशु डहुलिया वही हैं जो कि हमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखे थे, वो विधायक जी का कैरेक्टर निभाते हुए। और तिग्वांशु डहुलिया वही हैं जिन्होंने साहेब बीवी और गैंगस्टर जैसी मूवी डायरेक्ट की थी। अब बात करते हैं कि ये जो मूवी आ रही है, ये सिनेमा यानी कि OTT रिलीज होगी, जिसमें हमें बहुत सारे अलग अलग कलाकार जैसे विद्युत जामवाल, श्रुति हसन, विजय वर्मा, अमित साध, ये सारे नजर आने वाले हैं। और ये चार गैंगस्टर्स की कहानी होने वाली है जो कि एक दूसरे से बहुत तगड़ी दोस्ती रखते हैं, बट किसी न किसी कारण से भाई इनकी लग जाती है, मतलब लंका लग जाती है। अब लंका से कैसे बचाने, CBI इन्वॉल्व हो जाती है, दोस्ती वाली बात आती है, ये एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे। ट्रेलर ठीक है, मतलब ठीक है वाला ठीक है, और OTT रिलीज है तो मतलब मैं ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार बकवास हो जाएगी ऐसा, क्योंकि OTT पे एक फ़ायदा है कि तुम जुगाड़ लगा करके या तुम्हारे पास ऑलरेडी अगर सब्सक्रिप्शन है तो तुम देख सकते हो। मूवी आ रही है तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि मूवी कैसी है। मैं होप्स नहीं रख रहा इस मूवी से। तिग्वांशु डहुलिया एज अ डायरेक्टर को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं मुझे ठीक ठाक लगते हैं वो। उन्होंने साहेब बीवी एंड गैंगस्टर वगैरह एक्टिंग एक्टिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं वो। बट ये है कि कभी कभी डायरेक्टर्स अपना पिच अपना पेस छोड़ जाते हैं, और हो सकता है कि इसमें तिग्वांशु डहुलिया वही करते हुए नजर आए। बाकी मैं अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि क्या उम्मीदें हैं तो मैं बोल रखा है कि कुछ नहीं है, पर ठीक है, देखते हैं यार कैसी आती है। OTT पे आएगी तो पता चल ही जाएगा कि कैसी है मूवी। बाकी ट्रेलर में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, एक बेस लाइन फॉलो कर रही है, और श्रुति हसन भी भाई इतना खूबसूरत चेहरा लेके क्या ही कर रही है, वैसे एक्टिंग भी आनी चाहिए। खैर तो ठीक है, ट्रेलर ठीक ठाक लगे, मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। बाकी देखो तुम्हें कैसी लगी ट्रेलर, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पे बहुत कुछ डालते रहता हूँ मैं। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।